देखिए देखिए सभी लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट दिस एंड दिस इज दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ओके तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला लास्ट क्लास में आपको बताया था एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू एंड वाई वन प्लस वाई टू अपॉन टू, ये आपको मिड पॉइंट का फॉर्मूला बताया गया था बच्चों। तो इसको इस अप्रोच का इस्तेमाल करना है, काफ़ी सरल क्वेश्चन है। ओके ये सेगमेंट बना लीजिए गाइस, दिस इज ए पॉइंट एंड दिस इज बी पॉइंट। ओके और इन दोनों का बिल्कुल बीच का पॉइंट है सी। सी की वैल्यू क्या दी गई है, वन कॉमा टू ए प्लस वन, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट वन है और वाई कोऑर्डिनेट क्या है, टू ए प्लस वन। ओके ए क्या है बच्चों, ए है टू ए कॉमा फोर और बी क्या है बच्चों, माइनस टू कॉमा थ्री बी। वेरी सिंपल। तो आप लोग जानते हैं कि मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, तो पहला मिड पॉइंट है एक्स कोऑर्डिनेट है वन, तो वन क्या होगा, वन इज इक्वल टू एक्स वन बन गया, ये एक्स टू बन गया, तो टू ए प्लस का माइनस टू अपॉन टू, क्योंकि मिड पॉइंट का डायरेक्टली फार्मूला होता है एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू मैंने डिराइव कराया था लास्ट क्लास में, एंड वाई इज इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू बाई टू ये होता है। तो यार ये कितना है, टू ए है और ये है माइनस टू अपॉन टू, तो ये टू इधर चला जाएगा तो टू बन जा टू, और ये है टू ए माइनस टू, सो टू ए इक्वल टू टू प्लस टू मतलब फोर, सो ए इक्वल्स टू कितना आ गया टू, तो पहला आंसर आएगा ए की वैल्यू टू आ गई। चलिए तो ए इक्वल्स टू टू आ गया। अब बी निकालना है तो बी किससे निकलेगा, इससे निकलेगा टू ए प्लस वन, टू टू ए प्लस अगेन क्या है, मिड पॉइंट है किसका, किसका होगा, फोर का और थ्री बी का, मिड पॉइंट है टू ए प्लस वन, तो आप लिख सकते हो फोर और थ्री बी का मिड इक्वल टू वैल्यू क्या है, टू ए प्लस वन आई थिंक, यस देख लेते हैं एक बार, हाँ फोर प्लस थ्री बी अपॉन टू इक्वल टू टू ए प्लस वन, और ए हम निकाल चुके हैं कि ए है टू, तो फोर प्लस थ्री बी इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ कितना, टू इंटू ए, तो टू इंटू ए की वैल्यू भी टू है और ये वन, तो टू टू ज़ा फोर प्लस वन ये हो गया फाइव, और फाइव टू ज़ा कितना हो गया टेन, सो फोर प्लस थ्री बी इक्वल्स टू टेन, सो थ्री बी इक्वल्स टू टेन माइनस फोर, सो थ्री बी इक्वल टू हो गया सिक्स, सो बी इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, सिक्स अपॉन थ्री आंसर आ गया टू। तो आंसर आ गया भाई, ए की वैल्यू भी टू आ गई और बी की वैल्यू भी टू आ गई। लेट्स चेक द आंसर, ए इक्वल्स टू टू और बी इक्वल्स टू टू है कि नहीं है, बिल्कुल सही, ए इक्वल्स टू टू बी इक्वल्स टू टू, फुल मार्क्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 बन गया, यस सर। 12 13 14 15 सर, क्वेश्चन नंबर 13 आई हैव डाउटेड। ओके क्वेश्चन नंबर 13 में आपको डाउट है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 का कहना है इन वॉट रेशियो डज द पॉइंट 2.5 डिवाइड द जॉइन ऑफ द लाइन ए 8.2 एंड बी माइनस 6.5। कह रहा है कि किस रेशियो में पॉइंट 2.5 जो है 8.2 और माइनस 6.9 को तोड़ेगा। तो ये ज्वाइन कर लो, ए पॉइंट है 8.2 और बी पॉइंट है क्या, माइनस 6.9। बच्चों ये कह रहा है, इस बार अभी तक हम लोग को रेशियो दिया रहता था, ब्रेकिंग पॉइंट मांगता था, इस बार पॉइंट दे रखे हैं, जो ब्रेक करने वाला पॉइंट है पी क्या है 2.5 और रेशियो मांग रहा है। तो अपन मान लेते हैं ये रेशियो में तोड़ रहा है एम वन रेशियो एम टू। अब फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, याद होगा आपको, एक्स इक्वल टू होता है एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन अपॉन एम वन प्लस एम टू, यही होता है फॉर्मूला है ना, जिसमें एम और एम टू दिए रहते थे, एम वन और एम टू, बट अभी नहीं दिया गया है, सो फॉर्मूला तो यही लगेगा। अब एक्स की वैल्यू दी गई है और वाई की वैल्यू, तो चलो एक्स की वैल्यू पुट कर दो, सो द वैल्यू ऑफ एक्स इज टू हियर, द वैल्यू ऑफ एक्स इज टू हियर, तो एक्स की वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं। ओके तो चलो एक्स की वैल्यू पुट कर दें, सो वैल्यू ऑफ एक्स इज टू, एम वन मल्टीप्लाइड बाई एक्स वन क्या है माइनस सिक्स, सो इट वुड बी माइनस सिक्स एम वन, एंड एम टू मल्टीप्लाई बाई एट, सो इट वुड बी प्लस एट एम टू अपॉन एम वन प्लस एम टू। बस इसको सिंप्लीफाई कर लो, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा इसको ले चलें अपन अपने काम से, आ जाओ भाई यहाँ, ज़रूरत है तुम्हारी, आ गया। ओके नाउ व्हाट यार, मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो टू मल्टीप्लाई बाई एम वन प्लस एम टू इक्वल टू हो गया माइनस सिक्स एम वन प्लस एट एम टू। बच्चों तो टू एम वन प्लस टू एम टू इक्वल टू एट सिक्स एम वन माइनस का, सॉरी माइनस सिक्स एम वन प्लस एट एम टू। बच्चों टू एम वन है, सिक्स एम वन को भी यहीं बुला लाऊं,
तो कितना हो गया प्लस सिक्स एम वन, और यहाँ पे टू एम टू है, एट एम टू ऑलरेडी है, और एट एम टू में से टू एम टू को माइनस कर दो, क्योंकि इधर ये वाली चीज़ आएगी तो माइनस हो जाएगी ना, प्लस है तो उधर आएगी माइनस, और ये माइनस वाला था तो उधर जाके कितना हो गया प्लस। तो ये कितना बन गया बच्चों, ये बन गया एट एम वन और ये बन गया सिक्स एम टू। सो मैं क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा एट एम वन इक्वल टू सिक्स एम टू। सो एम वन अपॉन एम टू, एम वन को अकेले छोड़ा, एम टू को नीचे बुला लिया, तो यहाँ क्या बचा है, ऊपर है सिक्स, तो एम वन का कोफिशियंट नीचे भेज दो, सिक्स बाई एट, थ्री टू से काट दो, टू थ्री जा सिक्स एंड टू फोर जा एट, सो यू हैव द रेशियो एम वन अपॉन एम टू इक्वल टू थ्री रेशियो फोर। अंडरस्टूड? Yes, sir. So answer is 3:4 exactly, full marks. So ratio is 3:4. देख लो, तो क्या करना है, वो लोग बुक का छोड़ो वो कैसे करता है, मैंने आपको बेस्ट मेथड बताया है, जैसे बस आप क्या करना हो एम वन एम टू मान लेना पॉइंट, ओके, सॉरी रेशियो एम वन एम टू मान के कर लो, बोलो सबसे बन जाएगा। Yes, sir. प्रियांशी, प्रकृति, अनूप, आर्यन, दिव्या, चलो yes, sir. ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 14 डन। क्वेश्चन नंबर 14 डन? नो सर। नो, यस सर, डन डन। क्वेश्चन नंबर 14 में किसी को डाउट है? नो सर। ठीक है, सेम टू सेम वैसे ही एकदम जैसे अभी करा है ना, पॉइंट दिया हुआ है और ए और बी ज्वाइन कर रहे हैं, है ना, इन दोनों को ज्वाइन करके ब्रेकिंग पॉइंट ले लेना, एम वन एम टू आ जाएगा, आंसर इज 1:5। यस, क्वेश्चन नंबर 15, एनी वन डाउट? नो सर। वेरी गुड, क्वेश्चन नंबर 15 डन। क्वेश्चन नंबर 16 डन? यस सर। क्वेश्चन नंबर 17 डन? सर आई हैव डाउट इन दिस क्वेश्चन। सर आई आल्सो हैव डाउट। क्वेश्चन नंबर 17 में डाउट है? यस सर। ओके, लेट्स सी। यस सर। चलो आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 17 आ जाओ सब लोग। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, इन व्हाट रेशियो, इन वॉट रेशियो द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए 2-3 एंड बी 5-6 इज डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ डिवीजन। चलो भाई अच्छी बात है बच्चों, एक तो इसकी ट्रिक बता देता हूँ, चलो देखो इसकी ट्रिक बता देता हूँ, पहले ट्रिक बता दूँ कि, चलो पहले ट्रिक बता देता, अभी तो मज़ा आएगा। तो ट्रिक क्या कह रहा है बेटा, कि अगर आपके पास कोई ये लाइन जा रही है, ये लाइन का पॉइंट क्या है, देखो ए है, ऐसा है, ये है 2-3 और ये पॉइंट है बी, ये क्या है 5-6 और यहाँ से आया एक्स एक्सिस, धूम धड़ाम काट करके चला गया एक्स एक्सिस। तो कह रहा बताओ एक्स एक्सिस इसको किस रेशियो में काटेगा, मतलब आपको बताना है कितने भाग में काटेगा, कितना भाग ऊपर और कितना भाग नीचे, मतलब आपको निकालना है एम वन रेशियो एम टू। तो ट्रिक देखो बच्चों, फॉर्मूला एम वन अपॉन एम टू इज इक्वल टू माइनस लगा करके वाई वन बाई वाई टू। अब सर ये वाई वन वाई टू क्या यार, तुम जानते हो यार ये क्या होता है, पहला पॉइंट होता है एक्स वन वाई वन होता है ना, और दूसरा पॉइंट क्या होता है एक्स टू वाई टू होता है। तो अगर आपको एम वन रेशियो एम टू निकालना है तो वाई वन बाई वाई टू। ओके, तो आंसर देख लो एक बार इसका जरा, पहला पॉइंट क्या है, ये माइनस लगाया, y1 कितना है -3 है और y2 कितना है 6 है, सो माइनस से माइनस कैंसिल, तो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आंसर 1:2 होगा। हाँ बिल्कुल मेरी ट्रिक सही है बच्चों, आंसर है 1:2, तो 1:2 में काट रहा है। तो ये ट्रिक है, ये शॉर्ट एग्ज़ाम में करने के लिए ट्रिक है, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, बट अभी मैं इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करके बताना चाह रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो आ जाओ भाई, इस क्वेश्चन को मैं पूरा सॉल्व करके बता देता हूँ। क्वेश्चन का सीन क्या है, सीन ये है कि एक लाइन सेगमेंट है आपके पास में, सपोज मान लो ये सेगमेंट है ए 2-3 और दूसरा सेगमेंट, दूसरा पॉइंट है बी 5-6 और इस गिवन सेगमेंट को एक एक्स एक्सिस यहाँ से आ करके इसको तोड़ करके जा रहा है, काट के जा रहा है, डिवाइडेड बाई एक्सिस, यू डोंट नो वॉट इज द रेशियो, सो कंसिडर दिस इज एम वन एंड दिस इज एम टू। तो आपने मान लिया कि लेट द रेशियो बी एम वन रेशियो एम टू, आपने मान लिया कि रेशियो जो है एम वन रेशियो एम टू है। ओके, अब बच्चों पहली क्लास में ही मैंने आपको बताया था कि एक्स एक्सिस के जनरल पॉइंट क्या होते हैं, बताओ जरा रिवाइज कराओ बच्चों, एक्स एक्सिस के जनरल पॉइंट क्या हुआ करते हैं, एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट बैठा है वो कैसा दिखता है,
दैट वेरी गुड यस दैट इज़ द पॉइंट इन द फॉर्म ऑफ x, कॉमा जीरो. तो x तो अननोन है बट जीरो तो पता है ना कि जीरो ही होगा. मतलब ये जो पॉइंट होगा इसका y वाला कोऑर्डिनेट क्या है? जीरो. और हमारे पास फॉर्मूला होता है y इज इक्वल टू एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन अपॉन एम वन प्लस एम टू. ये हमारे पास फार्मूला होता है. फिलहाल y की वैल्यू क्या डाल दो? जीरो डाल दो. ये जीरो डाल दी मैंने, जीरो. नाउ m1 मल्टीप्लाइड बाई y2. y2 मतलब ये वाला कोऑर्डिनेट. देखो ये क्या है, ये है x2 y2 और ये है x1 y1. सो m1 मल्टीप्लाइड बाई y2 मतलब कितना हो गया? 6m1. और m2 मल्टीप्लाइड बाई y1 तो प्लस तो लगा था बट माइनस ने डंडा कर दिया तो माइनस 3m2 हो गया अपॉन एम वन प्लस एम टू. एम वन प्लस एम टू ठीक है ना, एम वन प्लस एम टू. अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा नीचे जीरो के साथ, तो जीरो तो शंकर भोले सब कुछ भस्म कर देते हैं. तो ये एम वन एम टू जीरो और ये हो गया सिक्स एम वन माइनस थ्री एम टू. तो जीरो जीरो हो गया इसके साथ. नाउ व्हाट यू कैन राइट, थ्री एम टू को यहाँ भेज दो तो सिक्स एम वन इक्वल टू थ्री एम टू. थोड़ी जगह चाहिए मुझे, अगले पेज पे चलूँगा. 6m1 इक्वल टू 3m2, m1 के नीचे बुलाओ m2 को, 6 तुम यहाँ से चले जाओ 3 के नीचे. सो आंसर हो गया 1 बाई टू. ओके सो व्हाट इज़ द रिक्वायर्ड रेशियो? 1 रेशियो टू इज़ द आंसर. सो ट्रिक से भी निकाला था 1 रेशियो टू. अब चलो, अब कह रहा है कि ये पॉइंट भी निकाल के बताओ हमें, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम पॉइंट भी निकाल देते हैं. देखिए ये पॉइंट क्या था, ये पॉइंट था x, कॉमा जीरो और रेशियो क्या आया था? ऊपर आया था 1 और नीचे आया था 2. तो y वाला पॉइंट तो जीरो रहेगा, केवल x वाला पॉइंट निकालना है. ओके तो x वाले पॉइंट के लिए क्या ट्रिक मैंने बताई थी, फॉर्मूला एम वन एक्स टू. तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 5, 1 भिड़ेगा 5 के साथ में. सो 1 मल्टीप्लाइड बाई 5 इक्वल टू 5 प्लस एम टू एक्स वन. तो यार ये ऊपर 2 है, हाँ तो एम टू भी है 2 और 2 इंटू टू कितना हो गया 4 अपॉन एम वन प्लस एम टू. वन प्लस टू तो 4 प्लस 5 नाइन बाई थ्री, आंसर हो गया 3. सो योर पॉइंट विल बी 3 कॉमा 0. लेट्स चेक द आंसर एंड अवर पॉइंट इज 3 कॉमा 0 विल गिव अस फुल मार्क्स. समझ में आया? yes, यस सर. हाँ तो इस तरीके से अपन को रेशियो निकालना है, देन उसके बाद पॉइंट निकालना है. तो पहले रेशियो निकलेगा, उसके बाद पॉइंट निकलेगा. और शॉर्ट ट्रिक मैंने बता दी है बच्चों, अगर आपको शॉर्ट ट्रिक, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आने हैं आपके लिए, तो इतना मेहनत नहीं करोगे. अगर एक्स एक्सेस काट रहा है बच्चों, तो एक्स एक्सेस के लिए लिख लेना एम वन अपॉन एम टू जो होगा वो आएगा माइनस ऑफ वाई वन अपॉन वाई टू. और अगर वाई एक्सेस काटे तो जो ट्रिक होगी एम वन अपॉन एम टू दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स वन अपॉन एक्स टू. ठीक है ना? यस. ये ट्रिक मुझे ऐसे कितने साल हो गया मुझे टेंथ छोड़े हुए, बहुत साल हो गए, करीब 20 साल हो गए. नहीं 20 नहीं, 17 दो 19 19 ईयर्स पहले मुझे मेरे टीचर ने ये ट्रिक बताई थी. आज मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये ट्रिक. सोचो मतलब मुझे तब का याद है, इसलिए मतलब ऐसा नहीं कि मैंने बीच में याद की हो, इसलिए ये बात इंपॉर्टेंट हो जाती है. सो रेशियो वाली ट्रिक मुझे मेरे टीचर ने बताई थी, सच में ये रेशो वाली ट्रिक. सो एम वन अपॉन एम टू अगर एक्स एक्सेस काट रहा है सो इट वुड बी माइनस वाई वन बाई वाई टू फॉर कट ऑफ एक्स एक्सेस. एंड एम वन अपॉन एम टू इज इक्वल टू माइनस एक्स वन बाई एक्स टू. कब? अगर वाई एक्सेस काटे, इफ कट बाई वाई एक्सेस. तो कितना समय बच जाएगा ना आपका, मजे वाली बात है ना, आपके 3 मिनट 4 मिनट बच जाएंगे. चलिए डन. चलो क्वेश्चन नंबर यहाँ तक तो हो गया है. 18 डन? नो सर. 18 नॉट डन. अच्छा किया ही नहीं कि बना नहीं? सर किया नहीं है. किया नहीं है, चलो. तो जो करे नहीं हो भाई, जो करे हो वो तो डन बोल दो. 18 19 20 किसी ने किया क्या और बन गया? I have to start from 17. Okay, you have to start from 17. Okay, go ahead. Any more doubt? Yes, sir. हाँ बोलो. No, sir. So, question number 32, part 1, page number 19. अच्छा, page number 19. Back gear लगाना पड़ेगा, पीछे चलना पड़ेगा. Page number 19.
पेज नंबर 90 पार्ट वन, क्वेश्चन नंबर 32 का पार्ट वन। भाई क्या कह रहा, शो दैट द पॉइंट ऑफ वर्टेक्स ऑफ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल के वर्टेक्स होने के लिए आमने सामने की डिस्टेंस इक्वल होंगी, साथ में डायगोनल्स भी इक्वल होंगे। क्या दिक्कत आ रही है इसमें बेटा? आमने सामने की डिस्टेंसेस इक्वल और डायगोनल भी इक्वल। हाँ तो सही सही आना था, 3√2 3√2, ये आमने सामने की डिस्टेंस हो गई, ये 12√2 12√2, और डायगोनल्स। कौन सा आंसर गलत आ रहा बताओ इसमें? आपका ए बी गलत आ रहा, बी सी गलत आ रहा, सी डी गलत आ रहा, कौन सा गलत आ रहा बताओ? तो बी सी। अच्छा बी सी आपका √18 आ रहा है? नो सर। नो, अच्छा एक बात, जीरो आ रहा है ना बेटा? जीरो आ रहा ना? नो सर। हाँ तो मेरा √37 आया। अच्छा देखो बी सी कैसे गलत आ गया आपका, सेकंड पार्ट पूछ रही हो ना ये? फर्स्ट पार्ट? नो सर, फर्स्ट पार्ट। अच्छा फर्स्ट पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट बी सी आ रहा है बेटा √52। देखो 4 − −2 यानी 4 + 2 यानी 6 का स्क्वायर एंड 4 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36 और 4 का स्क्वायर 16। एक मिनट, सी का कोऑर्डिनेट, हाँ अरे बेटा ये 14 नहीं है, 4 है। वेरी गुड। ये देखो यार, बाकी लोगों के ऊपर सवाल उठता है, बाकी लोगों ने मुझे क्यों नहीं बताया भाई, या तो बाकी लोगों ने खुद एडजस्ट कर लिया। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर वन, सॉरी, क्वेश्चन नंबर वन कह रही हो ना स्वस्ति? −4 − −1 − 2 − 4। हाँ जी बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है स्वस्ति, बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक आप काम कर रहे हैं। यहाँ पे ये बात समझ में आ रही है, सी पॉइंट −3 − −2 नहीं है और डी पॉइंट 0.1 नहीं है। चेंज कर लो भाई यहाँ पर, चेंज कर लीजिए, जो पॉइंट है वो है एक्चुअली 4.0। तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है बेटा, चेंज कर लो पॉइंट, ठीक है। चलिए ओके डन। ठीक है करिए। यस सर। ओके क्वेश्चन नंबर 19 बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 19 है, इन व्हाट रेशियो द लाइन x − y − 2 डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए 3, −1 एंड बी 8, −9। कह रहा कि जो लाइन है x − y − 2 ये दो गिवन पॉइंट को किस रेशियो में बांट रही है, किस रेशियो में ब्रेक कर रही है। ओके चलो देखो, तो पहले ज्वाइन बना लो। ज्वाइन क्या है, जो जो पॉइंट्स हैं ये अपने पास है, ए पॉइंट है 3, 1। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों ये, 8, 9 हायर लेवल का क्वेश्चन, थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चन जो लोग 11th क्लास में मैथ्स लेंगे 11th और 12th में, उनको थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चन उलझने मिलेंगे इस टाइप से। ये कह रहा है ये एक लाइन है दो पॉइंट के ज्वाइन से, और एक बाहर से कोई लाइन आ रही है, ये इस लाइन का इक्वेशन क्या है? ये जो लाइन का इक्वेशन है x − y − 2 = 0, ये लाइन का इक्वेशन है। कह रहा है कि ये जो लाइन है इस लाइन को किस रेशियो में काट रही है। तो मैंने मान लिया कि ये जो लाइन है इस लाइन को इन द रेशियो m1 = m2 काट रही है। ओके किस रेशियो में काट रही है? m1 = m2 में ये काट रही है ये लाइन को। ओके एक सेकंड बच्चों, यहां पे ये लाइन है x − y − 2। ओके तो x − y − 2 = 0, ये आपके पास लाइन दी गई है, और हमने मान लिया कि ये जो लाइन है इस गिवन सेगमेंट को, जो सेगमेंट हमको दिया है, ये m1 = m2 में काट रही है। तो ये देखो बच्चों कि ये m1 = m2 के टर्म्स में ये वाले कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये आपको मैं निकालना सिखा रखा हूँ। कैसे होता है m1 × x2, मतलब 8m1 + 3m2 / m1 + m2, ये होगा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या होगा, m1 × 9, मतलब 9m1, और ± 1 × m2, तो हो गया क्या, −m2 / m1 + m2। बोलो सही है, इतना क्लियर है कि नहीं है?
ये ब्रेकिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट है। अब देखो भाई, ये जो लाइन है, लाइन के अंदर ही तो, लाइन के ऊपर ही तो ये पॉइंट एक्स और वाई के बैठे हुए हैं कि नहीं बैठे हुए, बोलो बैठे। yes, हाँ, मतलब ये लाइन का एक्स है और ये लाइन का वाई है, ये लाइन का एक्स है और ये लाइन का वाई है, ये लाइन का एक्स है और ये लाइन का वाई है, मतलब लाइन पे ही बैठे हुए हैं कोऑर्डिनेट। तो जब ये लाइन पे बैठे हुए हैं तो ये कोऑर्डिनेट लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे कि नहीं करेंगे, बोलो सर? करेंगे करेंगे। तो अपने पास लाइन का इक्वेशन क्या है? लाइन का इक्वेशन हमारे पास है x माइनस वाई प्लस टू इक्वल टू जीरो। ये मेरे पास है लाइन का इक्वेशन, लाइन का इक्वेशन मेरे पास है x माइनस वाई माइनस टू है, सॉरी x माइनस वाई माइनस टू कर लो इसको, प्लस की जगह x माइनस वाई माइनस टू इक्वल टू जीरो। चाहो तो इसको लिख सकते हो x माइनस वाई इक्वल टू प्लस टू, उधर ले जाओ। अब क्योंकि वो जो पॉइंट आए हैं वो लाइन में बैठे हुए हैं तो उनको लाइन को खिला दो। तो पहला पॉइंट क्या है? 8m1, x की वैल्यू क्या है? 8m1 plus 3m2 upon m1 plus m2। तो 8m1 plus 3m2 upon m1 plus m2, ये x का कोऑर्डिनेट है। y का कोऑर्डिनेट माइनस लगाओ, क्योंकि माइनस लगाते हो तो डायरेक्शन साइन का पंगा होता है, इसलिए माइनस लगाया। 9m1 minus m2 upon m1 plus m2, तो यहाँ पे पुट किया मैंने 9m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इक्वल टू 2, ये आ गया। चलो एलसीएम ले लो बच्चों, एलसीएम दोनों का सेम है तो m1 प्लस m2 ही आएगा, और यहाँ क्या आएगा? 8m1 प्लस 3m2, माइनस अटैक करेगा तो ये हो जाएगा माइनस 9m1, और ये प्लस कितना हो जाएगा? m2 इक्वल टू 2। ठीक है, थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, मेहनत वाला क्वेश्चन है। ये लो जी, 8m1 में से 9m1 गए, कितना हुआ? माइनस m1, 3m2 प्लस m2 कितना हो गया? 4m2 अपॉन m1 प्लस m2 m2 इक्वल्स टू कितना? 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, माइनस एम वन प्लस फोर एम टू विल इक्वल्स टू, माइनस एम वन प्लस फोर एम टू इक्वल्स टू टू एम वन प्लस टू एम टू। ओके, ये हो जाएगा कितना? टू एम वन प्लस टू एम टू। अब इसके बाद ये है टू एम वन, बच्चों देखो बस, अब इसके बाद कुछ ज़्यादा नहीं करना है। फोर एम टू उधर है, फोर एम टू को इधर ले आओ, 4m2 इधर ले आएंगे तो कितना बन जाएगा? 4m2 में से 2m2 माइनस हो गया, और यहाँ पे 2m1 है तो इधर चला गया तो प्लस m1, तो ये क्या हो गया बच्चों? 3m1, और यहाँ हो गया 2m2, तो हमें चाहिए है m1 अपॉन m2, m1 के नीचे m2 ले आए और यहाँ आ गया 2 रेशो 3, सो m1 बाई m2 इज इक्वल टू 2 रेशो 3। तो जो रेशियो हमारा निकल करके आया है वह है 2 रेशो 3। तो इन लोगों ने क्या बोला? इन वॉट रेशियो, तो चेक करते हैं रेशियो, रेशियो इक्वल टू 2 रेशियो 3। क्लियर हो गया? बोलिए। यस सर। कोई दिक्कत? देखिए क्या किए, एक बार फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले ये लाइन थी, इसमें m1 रेशियो m2 करते हुए एक ब्रेकिंग पॉइंट निकाल लिया, वो ब्रेकिंग पॉइंट मैंने लाइन को खिला दिया। बस जैसे ही वो ब्रेकिंग पॉइंट आप लाइन को खिलाओगे, आपका आंसर आता जाएगा और फाइनली आपका आंसर आ जाएगा। तो जो कि आपकी क्वेश्चन थी उसको खिला दो। अब आपको बोल दे कि ब्रेकिंग पॉइंट निकालो, तो करना कुछ नहीं है, वो टू रेशो थ्री लेकर के आप ब्रेकिंग पॉइंट निकाल दो। यहाँ टू ले लो, यहाँ थ्री ले लो, सेक्शन फार्मूला लगा दो, आपका ब्रेकिंग पॉइंट आ जाएगा एक्स कॉमा वाई। बोलो, कर लोगे? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। और बताओ अनूप, अब इसकी शॉर्ट ट्रिक जानना चाहोगे क्या? इसकी शॉर्ट ट्रिक बता दें क्या? यस सर। इसकी शॉर्ट ट्रिक देखो, मतलब जो ट्रिक है इसको सॉल्व करने बहुत जल्दी से इसका आंसर आ सकता है, वो क्या है? देखिए आपके पास जो लाइन है एक, हाँ बोलो क्या? वी कैन अप्लाई दिस इन एग्जाम। देखिए अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो बिल्कुल लगा सकते हो, कि ऑब्जेक्टिव में तो आपको टिक करके आना है। अब उसमें कोई मैटर नहीं कि आपने आंसर खुद से किया, शॉर्ट ट्रिक से किया, नकल करके किया या कैसे भी किया,
उसमें तो ऑप्शन के नंबर आपको मिलेंगे ना, समझ गए ना? हाँ, तो उससे तो यस कोई मतलब है नहीं कि आपकी मेथड क्या है ना, नकल भी एक मेथड बन जाती है वहाँ पे। तो आपको शॉर्ट ट्रिक में यदि इसमें जल्दी करना हो तो इसका फॉर्मूला नोट कर लो, m1 / m2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ, ऊपर पूरी लाइन में फर्स्ट वाला कोऑर्डिनेट पुट कर दूं और बाद में सेकंड वाला। मतलब क्या कर दोगे, देखो पहले x की जगह ये पुट करो और y की जगह ये पुट करो। मतलब क्या, x की जगह है 3 माइनस, y की जगह -1 और माइनस का 2। फिर सेकंड पुट करो, x की जगह है 8 माइनस, y की जगह है 9 और -2 तो दोनों में है। चलो तो आंसर -3 माइनस माइनस +1 माइनस का 2 एंड हियर 8 -9 -2, सो 8 -11। लेट सी व्हाट इज द आंसर। सो 3 + 3 + 1 4, 4 -2 इज इक्वल्स टू 2 एंड 8 -11 इक्वल टू -3। सो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, योर आंसर इक्वल्स टू 2:3। ओके यस सर। सो आंसर होगा इसका 2:3। तो यही तो आ रहा ना हम लोग का, देखो इतनी मेहनत करके 2:3 आया और यहाँ पे ट्रिक से आ गया। तो क्या करना है, पहले पहला पॉइंट पुट करना है, बाद में दूसरा पॉइंट पुट करना है। डन। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे सभी लोग, क्या कह रहा क्वेश्चन, फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन। वेरी सिंपल, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए मीडियन का मतलब क्या होता है, मीडियन ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस, मीडियन का मतलब होता है वर्टेक्स से सामने वाली साइड को मिलाने वाली लाइन। ओके, द लाइन दैट ज्वाइनिंग द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल टू द मिड पॉइंट ऑफ द फेस साइड। ओके, एंड मीडियन इज ऑल्सो द लाइन विच बाइसेक्ट द अपोजिट साइड इन टू इक्वल पार्ट। सो हियर वी हैव द पॉइंट ए 0, 1, बी पॉइंट इज 2, 1 एंड सी पॉइंट इज 0, 3। सो गाइज वी कैन टेक दिस नेम एम। ओके, फर्स्ट मीडियन ए एम, सो वॉट शुड बी द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एम। वेरी सिंपल, एज आई सेड द मीडियन इज द लाइन ज्वाइनिंग द वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट लाइन। सो दिस पॉइंट विल बी डेफिनेटली द पॉइंट एम विल बी द मिड पॉइंट। सो 2 + 0/2, सो मिड पॉइंट इज 2 + 0/2, x1 + x2/2 एंड 1 + 3/2। ओके, सो इट विल बिकम 2/2 दैट इज 1 एंड 3 + 1 = 4/2 अगेन सो इट इज नेम 2। ओके, नाउ टू फाइंड द लेंथ ऑफ द मिड पॉइंट, अब एक पॉइंट ए है एक पॉइंट ये है, डायरेक्टली क्या लगा दो बच्चों, मिड पॉइंट फॉर्मूला, सॉरी डिस्टेंस फार्मूला ए एम के बीच का अंडर रूट, वी हैव रेड द फार्मूला, ये 0 है ये 1,2 है। तो अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो यहाँ 1,2 लिख लो। अब फार्मूला अप्लाई करिए, x2 - x1 का स्क्वायर मीन्स 1 - 0 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 3 माइनस एंड अगेन -1 का स्क्वायर, सो इट विल 1 का स्क्वायर तो 1 होता है एंड 3 माइनस माइनस +1 हो जाएगा तो 4 का स्क्वायर 16। सो योर आंसर फर्स्ट मीडियन इज ऑफ लेंथ 17, अंडर रूट 17। लेट्स चेक द आंसर, फर्स्ट मीडियन इज ऑफ अंडर रूट 17। ओए एक मिनट, कुछ मिस्टेक, यू हैव टेकन कोऑर्डिनेट ऑफ c इंस्टेड ऑफ m। वेट वेट वेट, 1 + 3 2, 1, 0, 3 2, 1 एंड 0, 3। ओ यहाँ पे 2 था, ओके 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 ओके, 1,2 था ना, हाँ तो 2 - 1 लिखना था मुझे, मैंने यहाँ पे 3 क्यों लिख दिया भाई। सो यहाँ पे 2 - -1 होगा ना, सो 2 - -1 बिकम 3। सो दिस 3 3 3 स्क्वायर 9 एंड 9 + 1 अंडर रूट 10। सॉरी बच्चों, सो पहला मीडियन जो आ रहा है हमारे पास रूट 10 आ रहा है। ओके, सेकेंड मीडियन कैसे निकालोगे बच्चों, इस वाले का मिड पॉइंट निकालो। सो इस वाले का मिड पॉइंट क्या है, 0 + 0/2 यानी कि 0 एंड -1 + 3 बिकम्स 2/2, 1। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस निकाल पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे बताओ। बन जाएगी अनूप, अनूप समझ में आया? यस सर। हाँ तो मिड पॉइंट अब डिस्टेंस निकाल लोगे, निकाल पाओगे सर? निकाल लेंगे, सिंपल है ना यार, 2 - 0 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर एंड +1 - 1 यानी 0,
सो यार 2 का स्क्वायर का रूट 4 का रूट 2 ही आएगा, तो आंसर इसका 2 होना चाहिए। बिल्कुल सही, सेकेंड मीडियन भी 2 है, इसी तरीके से थर्ड मीडियन रूट 10 आ जाएगी। चलो सॉल्व करो, डन। ए ए इसमें दीदी पढ़ रही ना, कप लेके जाओ। क्या नहीं है ऐसा, उन्हें आ गया पूरा? यस सर। आ रहा ना अच्छे से? यस सर। करते जाओ।